तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, पुरानी बंजारा मार्केट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और नई बंजारा मार्केट की लोकेशन आ गई है, दैट्स अ टिग्रा विलेज। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम बैक टू श्वेताज वर्ल्ड गाइस। सो ये है अपनी नई लोकेशन, दैट्स अ टिग्रा विलेज। आप जहाँ तक आप लोगों को मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी था, ये नई लोकेशन है जो आपकी HP पेट्रोल पम्प के पास है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये आपका HP पेट्रोल पम्प है, HSG पेट्रोल पम्प भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मैक्सिमम बहुत सारा सामान तो नहीं मिलने वाला जितना आपको पहली वाली बंजारा में मिलता था, बट लेट मी टेल यू अ ग्रेट थिंग कि यहाँ पे जो प्राइस इन्होंने हर चीज़ का रखा है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। जैसे कि बंजारा में अगर ये लोग किसी भी पॉट का अगर आपको कॉस्ट करते थे 150 to 200 रुपीज़, तो अभी उन्होंने ऑलमोस्ट इसको 30 to 40% कम कर दिया है प्राइस, बिकॉज इन लोगों का बहुत नुकसान हुआ था, तो अभी इनको सेलिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको उतना सारा सामान नहीं मिलने वाला अभी भी, बिकॉज जब हम इनसे बात करते हैं तो या दे आर नॉट कंफर्मिंग कि यही इनकी फाइनल लोकेशन है, बट फॉर अ चेंज अगर आप कहीं सामान लेना चाहते हो तो यही इनकी फाइनल लोकेशन है। अभी आप यहीं आओ और यहाँ से सामान आप ले सकते हो। मैक्सिमम सामान जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसा कि आप ये वाला देख रहे हो डिवाइडर, ये आपको कुछ 1500 ये लोग कॉस्ट कर रहे हैं, जो आप डेफिनेटली बारगेन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मार्बल टेबल्स मिल जाएंगी, 3 का सेट, 2 का सेट, आपको लैम्प्स मिल जाएगा 2 कॉस्टिंग अराउंड 500 रुपीज़। ये 2500 ये लोग टेबल का पूरा 3 का सेट दे रहे थे। आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लैम्प्स मिल जाएंगे, आपको रग्स मिल जाएगा, आपको ऑलमोस्ट सारा हाउस होल्ड आइटम्स यहाँ पे मिल जाएगा जो आप मेनली बंजारा में देखते हो। बहुत सी नई चीज़ें भी आई हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सामान बिल्कुल ही कम है, बहुत सी नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। आपको वही सारी क्रॉकरीज मिल जाएंगी, आपको इनफैक्ट इन लोगों ने बहुत सारे डिज़ाइंस की क्रॉकरीज इस बार मिलेंगी। आपको फाउंटेन्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इन्होंने कॉस्ट कुछ आई थिंक 2000 रुपीज़ इनका स्टार्टिंग है, 1500 रुपीज़। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बुद्धा था जो इन्होंने 1500 रुपीज़ बोला था, जो आप ऑफकोर्स बारगेन कर सकते हो, आप जितना बारगेन करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉट्स देखने को मिलेंगे जो बंजारा की शान है। ऑफकोर्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल होम डेकोर आइटम्स के लिए पॉट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छे रेंज में आपको मिल जाएंगे। इन लोगों ने 50 रुपीज़ से स्टार्ट किया है, जो छोटे वाले पॉट्स हैं वो 10 रुपीज़ हैं, कुछ 20 रुपीज़ के भी हैं। इन्होंने अपना यहाँ पे पूरा घर सेटअप कर लिया है ऑलमोस्ट। अभी भी इन लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं बिकॉज इट्स अ न्यू लोकेशन, बहुत लोगों को नहीं पता है तो लोग भी कम आ रहे हैं। सो बेस्ट टाइम ये है कि आप आफ्टरनून में ना जाके आप इवनिंग में जाओ, बिकॉज धूप भी बहुत ज़्यादा होती है और इवनिंग तक आते आते इन लोगों का प्राइस और कम हो जाता है। सो बेस्ट या तो आप मॉर्निंग में जाओ या तो आप इवनिंग में जाओ, अवॉइड करो कि आप आफ्टरनून में मत आओ। बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे क्रॉकरीज मिल रही हैं, आपको टेबल लैम्प्स मिल रहे हैं जिनका कॉस्ट इन्होंने ऑलमोस्ट आधा कर दिया है। रग्स वगैरह वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो आपको उतने ही रेट्स में उतने ही प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो ऑलमोस्ट बहुत सारे वेंडर्स ने अपना ऑलमोस्ट सारा सामान सेटअप कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हो, पानी डालने वाला पौधों में आपको बहुत ही अच्छे कंटेनर्स मिल रहे हैं, आपको लैम्प्स मिल रहे हैं, आपको फर्नीचर्स भी इस बार मिल जाएंगे। एक फर्नीचर की शॉप मैंने देखी और ये कुछ ये लोगों ने 1500 to 2000 रुपीज़ कॉस्ट किया था, जो ऑफकोर्स आप बारगेन कर सकते हो। आपको क्रॉकरीज मिल जाएंगे, आपको ट्रेज मिल जाएगा, बहुत ही डिफरेंट सामान है बहुत ही, लेकिन आपको ध्यान से सामान चूज़ करना होगा बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम्स भी आपको देखने को मिलेगा। आपको ओटमैन्स मिल जाएंगे, आपको स्टूल्स मिल जाएंगी, आपको रग्स मिल जाएंगे, कुछ 2000 रुपीज़ इन लोगों ने दो चीज़ का कॉस्ट किया था, जो ऑफकोर्स ये लोग बार्गेन करने के बाद आई थिंक 800 पे मान जाते। बहुत ही अच्छे अच्छे आपको लैम्प्स मिल रहे हैं, पूरा सेट ये लोग कुछ 2500 कॉस्ट करते हैं, जो आप डेफिनेटली कम कर सकते हो। ओटमैन का कुछ इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया 1000 रुपीज़ कॉस्ट किया था एक का, जो ऑफकोर्स डबल दे रहे हैं तो 2000 रुपीज़ पड़ रहा था, जो आप डेफिनेटली कम करा सकते हो। क्रॉकरीज़ की नई नई डिज़ाइंस भी इस बार आई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर क्रॉकरीज़ हैं और प्राइस रेंज ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 25 रुपीज़ का एक दे रहे थे, जो ऑफकोर्स आप सेट लोगे आप ज़्यादा लोगे तो कम कर देंगे। बहुत ही कलरफुल भी चीज़ें आई थी, बहुत डिफरेंट क्रॉकरीज़ थी इस बार इनके पास, जो पहले मैंने आई थिंक बंजारा में भी नहीं देखी थी। बहुत अच्छे अच्छे सामान भी आए हैं, तो आप डेफिनेटली जाओ एक बार विजिट करो,
आपको पसंद आएगा, आपको ये स्टील्स के सामान भी मिल जाएंगे, आपको यू नो कम्प्लीटली ऐसा लगता है कि ब्यूटीफुल सामान आए हैं। टेबल्स आपको तो बहुत ज़्यादा, आपको वहाँ पे मार्बल टेबल्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टॉक है, आप हर दुकान पे जाओगे ऑलमोस्ट आपको मार्बल टेबल मिलने ही मिलने वाले हैं। लैम्प्स का वहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है। तो ऑलमोस्ट ये दुकान जब आप यहाँ पे आते हो तो ये भरी रहती है, बिकॉज लोग यहाँ पे यू नो आजकल ऑप्शन एक और चीज़ है कि बंजारा में कोई दुकान ऐसी भी होती है जहाँ पे ये लोग पेंट भी करते हैं, तो यू नो अगर आपको कोई चीज़ पेंट कराना है, कोई चीज़ आपको ठीक करानी है तो आप करा सकते हो, ये भी ऑप्शन खुल गया है। वहाँ पे भीड़ हो रही है, जैसे मैंने आपसे कहा इवनिंग में थोड़ी बहुत भीड़ होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आप ये एक यूनिक सामान देखो जो आपने आई थिंक पहले नहीं देखा होगा बंजारा में, तो ये भी आपको वहाँ पे यू नो इनके 100 to 200 रुपीज़ से इन्होंने कुछ स्टार्ट किया था, सो बहुत ही ब्यूटीफुल सामान मिल रहा है। क्रॉक जैसे मैंने आपको कहा फर्नीचर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप फर्नीचर लेना हो तो आप जा सकते हो। यू नो कोई भी सामान लेने से पहले आप डेफिनेटली एक बार विजिट करो, बिकॉज इन्होंने ऑलमोस्ट टिगरा में अपना सामान सब कुछ स्प्रेड कर दिया है, तो देखना ज़रूर बनता है। मुझे यहाँ की रग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और यू नो 100 रुपीज़ से इन्होंने स्टार्ट किया। अगर आप छोटा लोगे तो 100 रुपीज़ का आपको डोरमैट मिल जाएगा, 200 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ से इन्होंने रग्स का स्टार्टिंग किया था, और बहुत ही ब्यूटीफुल रग्स हैं जैसा कि आप देखते हो। ब्रांडेड से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे आपको, डाइनिंग टेबल के लिए कवर्स मिल जाएंगे, डाइनिंग टेबल के लिए सब कुछ मिल जाएगा, यू नो 100 रुपीज़ टू 50 रुपीज़ 25 रुपीज़ तक का भी सामान था। यहाँ का एक और आपका लैंडमार्क है, वो है बस स्टॉप। तो आप बस स्टॉप के जस्ट ऑपोजिट आपको दोनों तरफ लेन में आपको सामान मिल जाएगा। बंजारा का स्टार्टिंग हो जाता है जैसे आप बस स्टॉप पे आओगे, वैसे ही दोनों तरफ आपका स्टार्ट हो जाता है सारा सामान मिलना, जस्ट ऑपोजिट टू दैट। सो गाइज आई रियली होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आता है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू लोकेशन, रिलेटेड टू एनीथिंग, आप मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर मोर अपडेट्स। सो डू विजिट बंजारा मार्केट, आपको ऑलमोस्ट सारा कलेक्शन मिल जाएगा और आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। सो डेफिनेटली कम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर अमेजिंग वीडियोज़। बाय बाय।